डिस्कस करते हैं एन टी ए नीट का पेपर थ्री अब देखिए अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ना अगर एनायन की स्टेबिलिटी देखा जाए तो अगर हमारे पास एक एस एच है और ओ OH एच है तो जो लार्ज एनायन है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे लार्ज एनायन और ऑलवेज हायर स्टेबल देन स्मॉलर एनायन सो एस निगेटिव इज हायर स्टेबल देन ओ निगेटिव और यही रीजन है कि थायोल की एसरी की स्ट्रेंथ हमेशा एल्कोहल से ज़्यादा होगी अब अगर थायोल दो, दो यहाँ पे थायोल हैं और दो यहाँ पे एल्कोहल है अब अगर इन थायोल में कंपेयर किया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट पर माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अब देखिए यहाँ पे एक सी एल लगा है माइनस आई इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे दो सी एल लगे हैं तो माइनस आई डबल होगा यहाँ पे देखिए सी एल माइनस आई लगाएगा जबकि यहाँ पे कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप नहीं है तो अब अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले तो थायोल ज़्यादा ए सी को देखोंगे अब थायोल में भी सेकेंड वाले में दो सी एल लगे हैं ज़्यादा माइनस आई तो एसिडिक सी ज़्यादा तो मैक्सिमम टू फिर वन थ्री और फोर में देखा जाए तो थ्री में एक सी एल लगा है माइनस तो आई है जबकि फोर्थ में कोई भी माइनस आई नहीं है इसलिए करेक्ट सीक्वेंस होगा टू वन थ्री फोर एंड करेक्ट आंसर इज डी इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूल का आयू पी एस सी नेम फाइंड करना है मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास हो तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो फोर और फाइव पे सब्सिक्वेंट लगे हैं तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा फोर फाइव डाई मिथाइल टोटल सिक्स कार्बन है तो हेक्स टू आएन, hence, पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स टू आइन एंड करेक्ट आंसर इज बी यहाँ पे देखिए एल्काइन है और अगर एल्काइन की रिएक्शन की गई है एच के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एच और दिस इज एग्जांपल ऑफ कुचराव रिएक्शन अब कुछ रिएक्शन में क्या होता है एच जी टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह पहले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री और ये एच जी पॉजिटिव साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया अब यहाँ पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ओरिजिनली उस कार्बन पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल तो यहाँ पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा पी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच जी और ये फिर से बन गया पॉजिटिव अब क्या होगा यहाँ से एच जी फिर एच जी रिमूव होगा और ये यहाँ पे एस पॉजिटिव आ जाएगा तो पी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री अब ये मॉलिक्यूल इनॉल है इसमें टाटोमेरिज्म होगी और अगर ये टाटोमेराइज होगा तो पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस थ्री ये बन जाएगा कीटोन और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल गिव देखिए अगर एफ ई सी एल थ्री की रिएक्शन फिनॉल से किया जाए तो ये फिनॉल से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है एफ ई ओ पी एच होल सिक्स थ्री नेगेटिव प्लस थ्री एच पॉजिटिव प्लस थ्री एच सी एल ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का है सो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड हेज करेक्ट आंसर इज सी देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है सी थर्टीन एज ट्वेल्व अगर उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सी एल लगा दिया जाए तो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है तो देखिए एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बनेगा दूसरा अगर इन चारों में से रिमूव किया जाए तो सेम प्रोडक्ट बनेगा चारों में से आइडेंटिकल बनेगा तो सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ से फर्स्ट यहाँ से थर्ड देखिए अगर इन चारों से निकाला जाए तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा किसी भी पोजीशन से आप हाइड्रोजन निकाल के सी लगा दीजिएगा फोर्थ अगर इसमें से निकालें या यहाँ से लगाएं तो सेम बनेगा सो टोटल फोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड एंड हेंस करेक्ट आंसर इज यूरिया कैन बी डिटेक्टेड भी तो यहाँ पे तो बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि यूरिया किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब अगर हम बेनेडिक्ट टेस्ट देखें तो बेनेडिक टेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स हैं वो मोनोसेक्राइड बेनेडिक टेस्ट में रेड कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें कॉपर सल्फेट होता है और सोडियम साइट्रेट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉपर प्लस टू आयन से कॉपर प्लस वन में कन्वर्ट होता है और जिसके कारण ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है तो बेनेडिक टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में होगी तो एसिड बन जाएगा और कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस वन आ जाएगा जिसमें रेड कलर का कलर चेंज आएगा तो बेनेडिक टेस्ट से हम यूरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेक्स्ट देखते हैं मॉलिश टेस्ट मॉलिशेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट के लिए है जैसे डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अगर डी ग्लूकोज वाटर में देखें तो वाटर में रिएक्ट करके ये कन्वर्ट होगा फॉरफ्यूरल में और जब फॉरफ्यूरल की अल्फा अल्फानेपथॉल से की जाती है तो ये कंपाउंड बनता है जो कि पर्पल कलर की डाई है तो अगर हम बात करें टेस्ट से तो मॉलिश टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है नेक्स्ट देखें अगर हम निन हाइड्रिन टेस्ट की बात करते हैं तो निहाइड्रेन प्रोटीन का टेस्ट होता है निन हाइड्रेन में ये कंपाउंड निन हाइड्रिन है एन एस टू के साथ रिएक्ट करके येलो कलर का प्रोडक्ट बनता है जैसे अगर निन हाइड्रेन है इसकी रिएक्शन प्रोलिन के साथ किया जाए तो ये बन जाएगा तो बेसिकली निहाइड्रेन जो टेस्ट है ये प्रोटीन का टेस्ट है तो इससे भी यूरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेक्स्ट देखते हैं बायूरेट टेस्ट है बायूरेट में क्या होता है अगर ये यूरिया के लिए हम इससे यूरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर यूरिया को हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है बायूरेट में बाई यूरेट में बाई यूरेट कॉपर के साथ मिलके कलर चेंज हो करता है तो अमोनिया का अगर हमें टेस्ट लगाना है तो अमोनिया को अगर हमें अगर हमें यूरिया को आइडेंटिफाई करना है तो यूरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बाई यूरेट टेस्ट लगा सकते हैं और इसलिए करेक्ट आंसर है फोर सो फोर्थ बाई यूरेट टेस्ट इज करेक्ट आंसर विच रेजेंट कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इन टू इथेनॉल अब देखिए अगर हमें एसिटिक एसिड को रिड्यूस करके इथेनॉल बनाना है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड लेना होगा लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एस टू ओ एच इथेनॉल में सो करेक्ट आंसर इज बी अब देखिए अगर हम एच टू पी टी लेते हैं तो एच टू पी टी एसिड के सभी डेरिवेटिव को रिड्यूस कर पाता है ध्यान रखिएगा एच टू पी टी ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा इसके इसमें रिएक्शन नहीं होगी बाकी एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब रिएक्ट करेंगे अगर हम यहाँ पे सोडियम एथेनॉल ले लेते तो सोडियम के प्रेजेंस में तो ये रिएक्ट करके सबसे पहले आर सी डबल ओ निगेटिव बना लेता सॉल्ट बन जाता तो इसलिए सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए सॉल्ट बन जाता तो अगर हमें एसिटिक एसिड है और इससे इथेनॉल बनाना है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड लेना होगा अगर टीन और एच सी एल लेते हैं तो टीन एच सी एल भी एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा सो करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट देखिए फॉर्मिक एसिड इज ऑपटेंड वन तो देखिए अगर कैल्शियम एसीटेट को कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर में हीट करें तो ये है कैल्शियम एसीटेट सॉल्ट अब कैल्शियम एसीटेट को अगर आप हीट करेंगे एच टू एस ओ फोर में तो ये इसके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिस एसिड से बना हुआ है तो ये बन जाएगा यहाँ पे एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एच अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया जाए ये है कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट और साथ में कैल्शियम एसीटेट ले लिया जाए कैल्शियम एसीटेट ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और अगर इन दोनों को हीट किया जाए तो हीट करने पर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा साथ में एसीटोन मिलेगा और इसके साथ एसिटल्डिहाइड भी मिलेगा सो थ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर ग्लिसरॉल को हीट किया जाए ऑक्जैलिक एसिड के साथ तो देखिए ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फेस टू एच सी एच ओ एच सी एच टू एच ग्लेस्ट्रॉल प्लस ऑक्जेलिक एसिड अब देखिए एक तो ऑक्जेलिक एसिड को ही अगर हम हीट करें तो ऑक्जेलिक एसिड इट्सल्फ हीट करने पर ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा एक तो वन इक्वलेंट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड और साथ में सी ओ टू गैस रिलीज होगी तो ये बन जाएगा डायरेक्ट भी बन सकता है इसकी एक मैकेनिज़म और हो सकती है कि सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्ट करके एस्टर बना ले तो ये सी एस टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये बन जाए एस्टर और सी एस टू ओ एच अब हम इस एस्टर को हीट करेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला था अब एस्टर को हीट करेंगे तो सी एस टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच ओ एच प्लस सी एस टू ओ एच यहाँ से सी ओ टू बाहर हो गया अब ये जो मॉलिक्यूल बना ये पहले स्टेप में वाटर जो निकला था उस वाटर से रीट करके अगेन एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए तो इथिलीन ग्लाइकोल प्लस फॉर्मिक एसिड हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड को हीट करेंगे आप तो एक फॉर्मिक एसिड और एक सी ओ टू मोलिकूल बनेगा नेक्स्ट देखिए एसीटलडी हाइड इज ऑक्सीडाइज विथ एसडिक के टू सी आर टू सेवन तो अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं सी एस थ्री सी डब हाइड लेते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टू सी आर टू सेवन और एस टू सो फोर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा एसिडिक एसिड सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर्मिक एसिड इज ऑपटेन प्लेसरॉल इज हीटेड विद ऑक्लिक एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर रिएक्शन विथ फिफ्टी परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू गिव करिस एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड सो नाउ दिस इज केस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन में एक एसिड बनेगा एक एल्कोहल बनेगा कैनज़ारों रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड हाइड होना चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो तो अगर हम बेंजलडी हाइड लेते हैं और बेंजलडी हाइड की रिएक्शन करते हैं फिफ्टी परसेंट के ओ एच से तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये सिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और वन मोल और वन इक्विवेलेंट जो है ये रिड्यूस होगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा तो बेंजोई बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा सो करेक्ट आंसर इज डी बंजो आर्टिफिशियल स्वीटनेस दैट हैज हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन द कंपैरिजन टू केन शुगर देखिए ये हमारे पास डाटा है सुक्रा लोज अगर लिया जाए तो इसकी 650 है एस्पार्टेम लिया जाए तो एस्पार्टेम की 160 है सैक्रीन ले लिया जाए तो सैक्रीन की वैल्यू 300 है और अगर एली लेते हैं तो इसकी 2000 है तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा है यहाँ पे एली ये हो जाएगा मोस्ट एसिड मोस्ट हाइस्ट वैल्यू तो वन पे ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे अगर देखें तो सुक्रालोज आ जाएगा ये सेकंड नंबर पे आएगा थर्ड नंबर पे अगर देखें हम तो यहाँ पे आएगा सैक्रीन और स्पार्टेम अगर देखें तो ये फोर्थ नंबर पर आएगा सो करेक्ट आंसर इज डी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट और मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियोफाइल इन पोलर मीडियम पोलर मीडियम मतलब मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूं तो अगर वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाए आई नेगेटिव बी आर निगेटिव सी एल निगेटिव और एफ निगेटिव की तो जो लार्ज नायन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे जिसकी पोलजाबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी फिलिसिटी आई निगेटिव बी आर निगेटिव सी एल निगेटिव और एफ निगेटिव की लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें डी में देखा जाए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में तो अब आई निगेटिव बी आर निगेटिव सी एल निगेटिव और एफ निगेटिव में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी एफ निगेटिव में ये है डी एम एस ओ में और यह है पोलर सॉल्वेंट वाटर में तो मैं इसको वाटर मान के सॉल्व कर रहा हूँ तो करेक्ट आंसर इज ए आई निगेटिव